शनिवार को इंदौर के जिला कोर्ट में मेगा लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें लंबे समय से पेंडिंग प्रकरणों का निराकरण किया गया। डीजे ने बताया कि आज का दिन न्यायालय के लिए और न्यायपालिका से जुड़े सभी सदस्य के लिए शुभ है और आज एक पवित्र कार्य होने जा रहा है। आज महत्वपूर्ण प्रकरणों का निराकरण होगा, ना कोई जीता कोई हारा। इस थीम पर पक्षकारों के साथ बैठकर प्रकरणों पर निराकरण किया जाएगा। डीजे पीपी शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जिला कोर्ट में लगी लोक अदालत में बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एमपीबी, नगर निगम सभी का सहयोग लिया गया है। साथ ही न्यायालय के सभी कर्मचारी लोक अदालत में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक बीमा कंपनी टाटा AIG ने 60 लाख में एक समझौता किया, जिसका पक्षकारों को सीधा सीधा लाभ मिला और उसे तुरंत रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी खुद की कोर्ट में 2 मामले हैं जो 12 करोड़ के ऊपर के हैं, एक 7 करोड़ और दूसरा 5 करोड़ का। दोनों प्रकरणों में लोक अदालत में राजीनामा हुआ और यह एक बहुत बड़ी राशि का केस था। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि लोक अदालत के माध्यम से आप लोक अदालत में आए और अपने प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण कीजिए और उस विवाद को हमेशा के लिए अंत कीजिए। ये आज का दिन न्यायालय के लिए और न्यायपालिका से जुड़े सभी सदस्यों के लिए बड़ा शुभ है। आज एक पवित्र कार्य होने जा रहा है, जिसमें आपसी समझौते के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रकरणों का निराकरण होगा। ना कोई जीता ना कोई हारा, इस थीम पर पक्षकारों के साथ बैठकर आपसी सहमति के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा, जिसमें बैंक और आपका सभी संस्थाएं, इंश्योरेंस कंपनीज, MPB और नगर निगम सभी का सहयोग भी लिया गया है। हमारे सभी अधिवक्तागण इसमें जोर शोर से सहयोग कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी न्यायालय के सभी सहयोग कर रहे हैं, आप पत्रकार बंधुओं ने भी इसका प्रचार प्रसार किया, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और इस प्रकरण, इस लोक अदालत में बड़े महत्वपूर्ण प्रकरणों का राजीनामा हुआ है। जैसा कि अभी आपने देखा, एक बीमा कंपनी टाटा AIG ने अभी 60 लाख में एक समझौता किया, जिसका पक्षकारों को सीधा सीधा लाभ हुआ और उनको तुरंत पैसा मिलेगा जो उनके परिवार के लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि मेरी खुद की कोर्ट में 2 मामले हैं जो कि 12 करोड़ से ऊपर के हैं और दोनों प्रकरणों में लोक अदालत में राजीनामा हुआ और उनका अंतिम रूप से निराकरण हुआ। ये बहुत बड़ा अमाउंट का केस है जो कि सभी को प्रेरणा देगा कि आप लोक अदालत में आइए, अपने प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण करिए और उस विवाद का हमेशा अंत करिए। तो आप सभी इसमें सहयोग करें और हम लोग जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं हम उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे और इस लोक अदालत को सफल बनाएंगे। वहीं अधिवक्ता गोपाल माहेश्वरी ने कहा कि मेगा लोक अदालत में एक्सीडेंट इंश्योरेंस से जुड़े मामले पर भी आपसी सहयोग से निराकरण हुआ। अधिवक्ता ने बताया कि 6 फरवरी 2021 को सलमान खान अपनी गाड़ी से जा रहा था, जहां उसे पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिससे सलमान खान की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार द्वारा क्लेम दायर किया था, जिसमें टाटा AIG बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 60 लाख रुपए का दायित्व स्वीकार करते हुए निर्णय दिया, जिसमें आज अवार्ड पारित किया गया। 6 फरवरी 2021 की बात है ये। सलमान खान अपनी गाड़ी से जा रहा था, इसको पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दिया था, जिससे सलमान खान की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसके मृत्यु के उपरांत परिवारजनों द्वारा एक क्लेम आवेदन पर माननीय 22वें सदस्य श्रीमान मुकेश नाथ जी के यहाँ पर क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें टाटा AIG बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 60 लाख रुपए का अपना दायित्व स्वीकार करते हुए निर्णय दिया गया, जिसमें आज अवार्ड पारित किया जा रहा है, जिसमें 60 लाख द्वारा बीमा कंपनी टाटा AIG द्वारा अपना दायित्व स्वीकार किया गया है। और इसमें अधिवक्ता स्वयं गोपाल माहेश्वरी एवं साथी अधिवक्ता दीपक सोनी द्वारा पैरवी की गई थी इसमें। मृतक सलमान खान के पिता का कहना है कि आज उस लोक अदालत में बीमा कंपनी ने 60 लाख रुपए का बीमा क्लेम किया है। मृतक के पिता मोहम्मद रईस ने बताया कि 1.5 साल पूर्व उनके बेटे की एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई थी, वहीं आज लोक अदालत में टाटा AIG बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि दी गई। सलमान की मृत्यु हुई थी। क्या आज क्या हुआ केस में? ये 60 लाख रुपए का मिला है। किसने दिया है ये?
ये बीमा कंपनी में। बीमा कंपनी किस तरीके से ये कितने दिनों बाद ऐसे लोक अदालत में आपको मिला है? लगभग ये 2.5 साल करीब होगा इसका। तो लोक अदालत में किसी ने बताया था आपको? लोक अदालत में जो केस आया है और आपको 60 लाख मिले हैं, तो इसके लिए किसी वकील ने आपको बोला था कि लोक अदालत में? वकील साहब ने बताया था। क्या क्या केस था ये पूरा जो कि आपके बालक की मृत्यु हो गई थी? ये एक्सीडेंट हो गया था। उसका कहाँ पर हुआ था?